श्री महाराज जी का जीवन एक ओर तो श्री राधा कृष्ण की आराधना में सर्वथा समर्पित है, तो दूसरी ओर प्राणी मात्र के कल्याण में भी समर्पित है। उनकी आंखें न केवल श्री राधा कृष्ण से मिलन के लिए बरसती हैं, बल्कि सभी मनुष्यों के उत्थान के लिए भी उनके सजल नेत्र छलक पड़ते हैं। आम तौर पर लोगों की ये धारणा होती है कि ऐसे जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत ऐसे ज्ञानी आम व्यक्तियों की पहुंच से सर्वथा दूर होते हैं, लेकिन परम दयामय श्री कृपालु जी महाराज की स्थिति इसके विपरीत ही है। वे तो अधिक से अधिक मनुष्यों के कल्याण के लिए स्वयं ही आगे आते हैं। चौरासी वर्ष की आयु में भी श्री महाराज जी प्रातः 3 बजे से अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार वे हमको आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ स्वस्थ रहने की शिक्षा भी देते हैं। श्री गुरुदेव समय समय पर भोजन कक्ष में आकर स्वयं निरीक्षण करते हैं। इस विश्व के पंचम मूल जगत गुरु एवं लाखों भक्तों से घिरे होते हुए भी श्री महाराज जी भक्तों को व्यक्तिगत समय देते हैं और उनकी आध्यात्मिक शंकाओं का समाधान भी करते हैं। जब तक आपकी कृपा ना हो चिंतन कैसे हो? कोशिश तो करता है, हम तो बड़ी कोशिश करें लेकिन होता नहीं। अगर भगवान या महापुरुष कृपा कर दे कि सबको चिंतन होने लगे तो ये संसार ही क्यों रहता? किसी को फिर कुछ करने के लिए वेद पुराण आदेश क्यों देते कि तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा ना करो? भगवान ही सोच लेते, कृपा कर देते तो सब जीवों का कल्याण हो जाता। और संत भी अनंत हुए हैं, तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम, तो ये लोग कृपा क्यों नहीं कर दिए कि हम सब लोगों का कल्याण हो जाए? उनकी कृपा यही है कि हमको सही मार्ग बता दें और इसके बाद उस पर चलना, ये हम लोगों को कृपा करनी पड़ेगी। ये भगवान और महापुरुष कृपा नहीं करेंगे, उनके पास और है क्या कृपा के सिवा? वो तो कृपा ही करते हैं, उनकी कृपा को रियलाइज करना ये हमारा काम है। श्री महाराज जी की प्रेरणा से भक्तिधाम मनगढ़ में एक विशाल अस्पताल बनाया गया है, जहां प्रतिदिन 1000 से अधिक मरीज आते हैं। इसका फ्रैक्चर हुआ था महाराज जी, वही हुआ था इसकी 3 बोन का। दर्द तो नहीं? नहीं 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 महाराज, भाई से पैरालिसिस हुआ था 7 महीने पहले, तो ये बेड पे पड़ी हुई थी और ये गर्दन बिल्कुल नहीं हिलती थी। गर्दन हिला के दिखाओ, अब गर्दन हिल रही, 3रा दिन है आज और गर्दन हिलाने लगी और पैर भी उठाने लगी है। संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, किंतु ऐसा नहीं है। उनका हृदय तो मक्खन से भी अधिक कोमल होता है, क्योंकि
मक्खन तो तब पिघलता है जब उसको ताप दिया जाता है, किंतु संत तो दूसरों के ताप से ही पिघल जाते हैं। जहाँ एक गुरु एक अभिभावक की तरह हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वहीं एक सखा के समान प्रायः हमारे बीच बैठ हमसे बातचीत भी करते हैं। उनका व्यवहार, उनका प्रेम भाव, उनकी करुणा, उनका ममत्व ही अनेक भक्तगणों के लिए जीवन का आधार बन चुका है। ऐसे ममतामय, अतिशय कोमल भावनाओं और उदार चित्त के स्वामी श्री कृपालू जी महाराज को गुरु रूप में पाकर कौन नहीं धन्य होगा।